हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहां पे कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलें और उसके बाद में बचे हुए कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपसे ये बोला जाए कि भाई आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिससे ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग पढ़ रहे थे हमारा 11th क्लास का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट। इसमें भी जो पहला चैप्टर है जिसमें फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन के साथ हम लोग डील कर रहे हैं और इसके वेरियस अदर एस्पेक्ट्स के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली हैं, एक तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है हमने उसके बारे में बात कर ली है, उसकी नीड क्या है वो भी हमने उसी में देखा था, एंड देन हम लोगों ने फिर बातचीत करी थी कि फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट जो है इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आखिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हम लोग अचीव क्या करना चाहते हैं। फिजिकल एजुकेशन जब आप इम्पार्ट करोगे तो उसकी मदद से आप हासिल क्या करना चाहते हो, वो बात हम लोगों ने वहां तक देखी थी। उसी चीज को अब आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में फिजिकल एजुकेशन की क्या जरूरत है और क्या इंपॉर्टेंस है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिया कि क्या क्या अचीव आप कर सकते हो, मगर देने की जरूरत क्या पड़ रही है फिजिकल एजुकेशन और इससे अल्टीमेटली इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों रेलेवेंट हो जाता है आजकल का जो समाज आपका बना हुआ है, आजकल की जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है, उसके बारे में हम लोगों ने आज का जो सेशन रहना है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को इसको पढ़कर और काफी नई नई बातें अपने को सीखने के लिए मिलेंगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन एंड द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेस लेक्चर इज गोइंग टू बी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ये जो टॉपिक है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न सोसाइटी, इसको अपन लोग एंशियंट टाइम पीरियड्स के साथ में जोड़ते हैं और वहां से अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि आज की तारीख में मॉडर्न सोसाइटी में आखिर आपको फिजिकल एजुकेशन की क्या जरूरत है और क्या इसकी अहमियत है। तो चलें थोड़ा पीछे चलते हैं और हम लोग इसकी इस ताने वाने को जोड़ते हैं एंशियंट टाइम पीरियड से। एंशियंट ग्रीस की अगर बात की जाए तो उसमें दो फिलोसफर्स हुए थे, एक फिलोसफर का नाम था एरिस्टोटल और एक फिलोसफर का नाम हुआ करता था सोक्रेट्स। इन्होंने ऐसे तो काफी सारी बातें कही थी और ये इसलिए भी आज की तारीख में याद रखे जाते हैं क्योंकि इनकी काफी सारी बातें जो उन्होंने कई हजार साल पहले कही थी वो आज भी आपके समाज में, चाहे आप किसी भी एरिया में निकल जाएं, किसी भी कॉन्टिनेंट के आप ग्लोब के किसी भी हिस्से में चले जाएं, इनकी जो बातें हैं आज भी आपको काफ़ी जगहों पर सच साबित होती हुई समझ में आती है, इसलिए इनको याद रखा जाता है। इन्होंने बहुत सी फिलोसफीज दी थी, बहुत सी बातें कही थी। अब ग्रीक एंड सोक्रेट्स ने बाकी सारी बातों के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात कही थी। इनका कहना यह था कि जो एथलेटिक्स है वो एक कंप्लीट एजुकेशन है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को एथलेटिक्स वगैरह में अगर आप डालते हो, अगर आप उसको फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह दौड़ना भागना ये सारी चीजें करवाते हो तो वो अपने आप में एक संपूर्ण एजुकेशन हो जाता है, वो अपने आप में एक कंप्लीट एजुकेशन हो जाता है। ये बात इन्होंने कही थी आज से कई हजार साल पहले। अब आज की तारीख में जो आपके मॉडर्न रिसर्च वगैरह हो रही हैं, उन मॉडर्न रिसर्च में मॉडर्न रिसर्चर्स वगैरह ने भी इस बात को प्रूव किया है कि जो फिलोसफर्स ये बात कहा करते थे ये बात सच है या फिर सच के बहुत ज़्यादा करीब है कि अगर आप एथलेटिक्स वगैरह के ऊपर एम्फेसिस करवाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको शारीरिक तौर पर इतना ज़्यादा दृढ़ करता है कि उसके बाद आप जिस भी चीज़ में लगोगे उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप में कंप्लीट एजुकेशन है, ये बात जो आपका सोक्रेट्स ने और या फिर एरिस्टोटल ने कही थी ये बात सच है, साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया गया है। साइंटिफिकली इस बात के आपके पास में अब रिजल्ट्स मौजूद हैं कि अगर आप अपने लिम्स को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कराते रहते हैं, अगर आप लगातार उनको व्यायाम करवाते रहते हैं तो इससे होता यह है कि आपका जो दिमाग है वो राइट स्पिरिट में, राइट डायरेक्शन में जो है डिसिप्लिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोटिवेशन तो आपको एकदम से आता है, इमोशंस एकदम से आते हैं, आप चार्ज होते हैं और किसी चीज में एकदम से आप लग जाते हैं, मगर मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो चीज रहती है वो है हैबिट्स और हैबिट्स बनती हैं डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन लाने के लिए आपको माइंड को एक सर्टेन डायरेक्शन में फोकस करना होता है, मगर लोगों के साथ समस्याएं रहती है, वो ये बोलते हैं कि सर हमारा जो माइंड है वो फोकस नहीं हो रहा, वो हमारा जो माइंड है वो राइट डायरेक्शन में जाता नहीं है, थोड़े वक्त के लिए जाता है फिर डाइवर्ट हो जाता है, इस तरीके की चीजें। ये एक इंडिकेशन है कि उन लोगों की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं हो रही जितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो अपने लिम्स वगैरह को, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को रेगुलर उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करवा रहे
रहे, उतनी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे जितनी करवाई जाना चाहिए, क्योंकि ये अब एक साइंटिफिक स्टडी से प्रूव हो चुका है कि अगर आप लगातार अपने लिम्स वगैरह को एक्सरसाइज कराओगे, अगर आप रेगुलरली अपने शरीर का ध्यान रखोगे, तो इससे आपका जो मन है, हमने भी इनफैक्ट इसके पहले के लेक्चर्स में यही देखा था कि बॉडी के मूवमेंट से जब आप माइंड को फोकस करते हो तो वो भी फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट हो जाता है। यहाँ पे बकायदा साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव करके बताया गया है कि लगातार अगर आप एक्सरसाइज करवाओगे उससे आपका दिमाग सही डायरेक्शन में जो है डिसिप्लिन होता है, राइट स्पिरिट में डिसिप्लिन होता है। तो डजंट मैटर आप IIT की तैयारी में लगे हुए हैं, डजंट मैटर आप IAS बनना चाहते हैं, डजंट मैटर आप MBBS के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं आज से 25, 30, 50 किताबें लेके आऊंगा, कमरा बंद करके बैठूंगा, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा पढ़ाई करूंगा, और आप पूरी तरीके से फोकस रहें, पूरा साल भर आप फोकस रह के पढ़ लें, वो पॉसिबल नहीं है। आप जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ेंगे वैसे ही बॉडी जो है अपना खेल खेलना शुरू करेगी और आपका दिमाग जो है कुछ वक्त के बाद में डिरेल हो जाएगा, फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इस बात के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है कि भाई शारीरिक तौर पर अपने आप को एक्टिव रहना है, क्योंकि शारीरिक तौर पर अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर मानसिक तौर पर जो है आपकी एक्टिविटीज वगैरह उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाएंगी, या फिर उतना इफेक्टिवली आप जो है मेंटली फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करें, लगातार गेम्स वगैरह खेलते रहें, चाहे थोड़े वक्त के लिए करें मगर करते रहें। इससे होगा ये कि आपका जो शरीर है और आपका जो मन है, आज की तारीख में जो आपके साइलेंट किलर्स डेवलप हो गए हैं, और या फिर ये हमेशा से हुआ करते थे मगर आज की तारीख में जो प्रोमिनेंटली ये साइलेंट किलर्स बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हो गए, आप इनका सामना कर सकते हैं। वो साइलेंट किलर्स कौन कौन से हैं? आपका सबसे बड़ा साइलेंट किलर है स्ट्रेस। दुनिया जहां में आज स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस के चलते कितनी बड़ी अपनी मेडिकल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, इसका मतलब आप लोगों को भी अंदाजा है कि कितने बड़े लेवल पर जो है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती हैं, अलग अलग तरीके के मेडिकेशन दिए जाते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, हैमरेज, इस तरीके की चीजों के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस। और स्ट्रेस में भी आपका जो शारीरिक स्ट्रेस है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल स्ट्रेस जो लोगों को 24 घंटे रहता है, उनके चेहरों पर दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में समझ में आने लगता है, वो सारी चीज है। तो ये अपने आप में कुछ ऐसे साइलेंट किलर्स हैं जिनके साथ आप लगातार जो है लड़ सकते हैं, इनको ओवरकम कर सकते हैं और इनको अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। स्ट्रेस हो गया, शरीर का स्ट्रेन हो गया, वरिंग हो गया, एंजाइटी हो गया, एंजाइटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, छोटे छोटे बच्चों को आजकल एंजाइटी होने लगी है, टेंशन जो है हमेशा बनी रहती है, हाइपरटेंशन हो गई, इन सारी चीजों के साथ अगर आपको डील करना है, लड़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइजेस करती रहने हैं, आपने रेगुलर गेम्स वगैरह खेलते रहने हैं, इससे आपका मन और आपका शरीर जो है मजबूत रहेगा और आप इन सारे साइलेंट किलर्स वगैरह को इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताते हैं, आप लगातार अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहेंगे, आप अगर लगातार मेंटली फिजिकली एक्टिव रहेंगे, तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। जो डिप्रेशन आज की तारीख में हर कहीं पे आपको सुनने को मिलता है, ये किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया है, किसी को किसी और तरीके का डिप्रेशन हो गया है, जो लोग लगातार फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं, पसीना बहाते रहते हैं, उन्हें कभी डिप्रेशन एज सच नहीं होता, वो कभी डिप्रेस नहीं होते उस तरीके से। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहां से निकल कर आती है। चले आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट इज कि द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन मे बी अंडरस्टूड इन सेवरल वेज विच डिस्क्राइब्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इतना तो अपने को समझ में आता है कि फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन का जो ज्ञान है वो जरूरी है, मगर फिर वही बात आ जाती है कि सब लोग एक ही जितनी मात्रा में ना तो उसको टाइम दे सकते हैं, सब लोग एक ही जितनी मात्रा में ना उसको ना उतने एफर्ट्स दे सकते हैं, और ना सबकी आपकी जो एज और आपकी जो बॉडी की स्टेट होती है वो आपको इजाजत देती है कि सब एक ही तरीके का जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह या एक्टिविटीज करें और एक ही तरीके के फिजिकल एजुकेशन का फायदा उठाएं। तो इतना तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि लोगों को फिजिकल एजुकेशन की नीड भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिजिकल एजुकेशन आपको पता होना चाहिए और उसका फिर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मगर समाज के अलग अलग सेक्शंस और समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग एज की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन भी जो है उन लोगों के लिए बदल जाएगी। फिजिकल एजुकेशन में उनको क्या चीज इंपार्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी एज ग्रुप में आते हो, कौन सी स्टेट ऑफ माइंड, कौन सी स्टेट ऑफ बॉडी में हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चेंजेस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। क्या चेंजेस हैं उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, मगर नेशनल क्यूरिकुलम था, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसने फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक नोट कहा था या फिर एक पूरी रिपोर्ट लिखी थी, उसमें से एक छोटा सा नोट NCERT में शामिल किया गया। वो नोट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि ये जो नीड और इंपॉर्टेंस की बात की गई है अलग अलग तबकों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, उससे इनका क्या मतलब है, उससे इनका क्या आशय है, वो हमको थोड़ा सा इस पर्टिकुलर ब्लॉक को पढ़कर समझ में आएगा। तो इसको अब हम लोग देखते हैं।
हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मस्ट कंटिन्यू टू बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेजेस एंड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। यानी कि जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, बाकी सारी चीजों के अलावा फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या कह रहा है कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन नाम का ये जो विषय है इसको आपको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रखना है प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी के हर बच्चे को जो है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन के बारे में आपको शिक्षा देनी है, और सेकेंडरी लेवल पर आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे आपका मैथ साइंस आपने ले लिया, बायो ले लिया, आपने कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, उस तरीके से इसको एक सेकेंडरी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। हाउएवर इट नीड्स टू बी गिवन इक्वल स्टेटस विद अदर सब्जेक्ट्स, अ स्टेटस दैट इज नॉट बीइंग गिवन एट प्रेजेंट। हालांकि एक बात है जिस पे अपने को एम्फेसिस करना पड़ेगा कि भाई इस सब्जेक्ट को आपको वही बराबरी का स्टेटस देना पड़ेगा जो आप दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह को देते हो। मैथ साइंस आपका कॉमर्स आर्ट्स इन सारे सब्जेक्ट्स को जो आप स्टेटस देते हो वही स्टेटस आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। आज की तारीख में आप ये चीज नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में आप ये स्टेटस इसको नहीं दे रहे। इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट द क्यूरिकुलम इफेक्टिवली इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द मिनिमम एसेंशियल फिजिकल स्पेस एंड इक्विपमेंट आर अवेलेबल इन एवरी स्कूल एंड दैट डॉक्टर्स एंड मेडिकल पर्सनल विजिट स्कूल रेगुलरली। अब अगर आप ये चाहते हो कि फिजिकल एजुकेशन का जो आपका क्यूरिकुलम है, जो सिलेबस है, इफेक्टिवली जो है उसको चलाया जा सके, अगर आप ये चाहते हो कि सही तरीके से जो है आप उसका उस पर्टिकुलर ज्ञान को अपने बच्चों में इंपार्ट कर सको, तो उसके लिए एक मिनिमम फिजिकल स्पेस की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम अमाउंट में आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए। यानी कि आपको कुछ जगह चाहिए सबसे पहली चीज, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, ग्राउंड और बाकी सारी चीजें वो होना चाहिए आपके पास में, और एक मिनिमम अमाउंट में कुछ इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए, उसके बिना अपना काम नहीं चल पाएगा। ये स्पेस अगर आपके पास में है, फिजिकल स्पेस और इक्विपमेंट्स अगर आपके पास में अवेलेबल हैं, तभी हर एक स्कूल में जो है आप फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा बहुत अच्छे से दे पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो आपके डॉक्टर्स हैं और जो मेडिकल पर्सनल्स हैं वो रेगुलरली जो है स्कूल विजिट करते रहें, और बच्चों का जो भी आपका फिजिकल चेकअप होना है, जो आपका आपका मेडिकल चेकअप होना है, ये सारी चीज़ें इफेक्टिवली हो सके। इट शुड बी पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज utilization of school space at block level at least for special sports programs both before school hours and after school hours to enable children with special talents to for sports to come here for special training and during vacation period। अब ये बड़ी interesting बात कही गई है कि साथ ही साथ आपको block के level पर, district level पर से नीचे का जो आपका block का level होता है उस पर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है सरकारी school आपके ऐसी जगहों पे बने होते हैं जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा space नहीं होता, एकदम आप अगर primary level पर चले जाएं, village level पर चले जाएं, या फिर अगर आप किसी level पर चले जाएं, कई बार आपको ऐसे सरकारी school मिलते हैं जहां पे ज्यादा space वगैरह नहीं होता, तो फिर उसके लिए solution ये निकाला गया कि भाई block level पर ऐसे स्कूल जहां पर आप थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था है, जहां पर आपके पास में स्पेस है, वहां पर आप स्पेशल स्पोर्ट्स वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएं, और इसको स्कूल के पहले के जो घंटे होते हैं स्कूल लगने के पहले तब भी करवाएं, स्कूल लगने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है तब भी लगवाएं, इसके अलावा जब आपकी छुट्टियां चल रही होती हैं तब भी जो है आप यहां पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज वगैरह करवाएं, ताकि इससे वो बच्चे जिनका स्पेशल टैलेंट है स्पोर्ट्स वगैरह के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके, वो यहां पर आ सके, वेकेशन के टाइम पीरियड में भी जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह को कंटिन्यू रख सके। इट शुड ऑल्सो बी पॉसिबल टू डेवलप दी स्पोर्ट्स फैसिलिटी so that many more children can avail of these for leisure time sports activities and engagement with team games such as basketball, throwball, volleyball and local forms of sports। साथ ही साथ इन सारी एक्टिविटीज को, ये सारी की सारी फैसिलिटीज को इसलिए भी डेवलप करना जरूरी है कि आपके जो बच्चे हैं, जो चलिए आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे नहीं है मगर फिर भी वो लोग भी आ सकें और अलग अलग तरीके के जो टीम गेम्स हैं, खास तौर पे बोला गया टीम गेम्स वगैरह जो है उस पर फोकस कर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि इन गेम्स वगैरह को खेलकर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी जो दूसरी चीजें हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, मॉरल डिसिप्लिन, ये सारी चीजें जो है उनके अंदर डेवलप हो सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी रिपोर्ट वगैरह में कहा था। इससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग भी लगती है कि फिजिकल एजुकेशन देने के लिए, फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, इंपार्ट करने के लिए किस तरीके की रिक्वायरमेंट आपको स्कूल्स वगैरह में या फिर सबसे शुरुआती लेवल पर चाहिए और मिनिमम कितने से जो है आपका काम चलेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है वो लोग स्कूल में फिजिकल एजुकेशन देने के लिए किन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी, मगर उसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि फिजिकल एजुकेशन जो है समाज के हर हिस्से की, आपका जो हर सेक्शन है और जो आपका हर एज ग्रुप है सबके लिए रेलेवेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हमको जनरल बात करनी हो, समाज के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करनी हो, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें, तो उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको हम
लोग कुछ पॉइंट्स वगैरह की मदद से समझ सकते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं उसकी मदद से हमको समझ में आ जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन की क्या आज की तारीख में नीड है और क्या इंपॉर्टेंस है आपके समाज के हर तबके के लिए, आपका जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके हर सेक्शन के लिए ये कितना रेलेवेंट है वो हमको अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो भाई फिजिकल एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाज के किसी भी तबके की बात कर लो, हर व्यक्ति कभी ना कभी एक बच्चा रहा होगा, हर व्यक्ति कभी ना कभी एक छोटा सा बच्चा था, बढ़ते बढ़ते फिर अल्टीमेटली वो जवान हुआ, जवान से फिर वो एडल्ट हुआ, एडल्ट से फिर वो आपका अधेड़ उम्र में गया, अधेड़ उम्र से फिर जो है फिर वो वयस्क हुआ, अल्टीमेटली वो अपनी जिंदगी के अंत तक जाता है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ऑप्टिमम डेवलपमेंट करवाते हैं चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ का, या फिर अगर आप चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ ऑप्टिमम लेवल तक हो रही है इस बात को इंश्योर करवाते हैं, तो जब वो वयस्क होगा, जब वो बड़ा होगा, तो समाज का समाज में वो जब अलग अलग आपके सेक्शन वगैरह से जब वो पास करेगा, जब वो ट्रांजैक्ट करेगा, तो ये जो बचपन में आपने इंश्योर करवा दिया था कि इसको ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो, कहीं ना कहीं एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर उसको ज्यादा बेटर स्थिति में या फिर ज्यादा बेटर क्वालिटी का बनाकर तैयार करेगा। तो मिनिमम आपको जो करना ही है शुरुआत से एक पर्टिकुलर चीज की ऑप्टिमम फिजिकल डेवलपमेंट एक चाइल्ड का करवाना है, चाइल्ड की ग्रोथ एक मिनिमम लेवल तक, एक ऑप्टिमम लेवल तक आई है, ये बात आपको इंश्योर करवाना है। फिजिकल एजुकेशन इस तरीके से इंपार्ट किया जाना चाहिए आज की मॉडर्न सोसाइटी में, पहला पॉइंट। दूसरा आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो उसका, उसको जो ज्ञान वगैरह दिया जाना है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा होनी है वो तो हुई, मगर साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आप उसकी बॉडी और माइंड की कोऑर्डिनेशन को ठीक करें और इतना उसका शरीर जो है मेहनत करता रहे कि उसका दिमाग फोकस्ड रहे और इससे उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उसमें कोई रोकथाम ना पड़े और वो अच्छे से जो है अपने आप को डेवलप कर सके। तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी जो है फिजिकल एजुकेशन के साथ में ही आता है, जब वो आपका स्पोर्ट्स खेलेगा, एक्टिविटीज वगैरह में परफॉर्म करेगा, कभी अप्स आएंगे कभी डाउन्स आएंगे, तो इन सब चीजों के चलते वो एक इमोशनल मैनेजमेंट जो है वक्त के साथ में सीखेगा। यहीं से फिर जो है आपका टीम स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीजों से टीम स्पिरिट, सोशल आपका एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें भी डेवलप होंगी और यहां से जो है उसके अंदर एक सोशल डेवलपमेंट आएगा। अगर ये सारी की सारी चीजें आप इंश्योर कराते हो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, तो फिर ये ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं उसका पर्सनल डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ उसके कैरेक्टर की बिल्डिंग में भी जो है वो हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप गेम्स वगैरह में उसके अंदर ये बात बैठाओगे कि भाई मैटर नहीं करता क्या होना, क्या आपका रिजल्ट निकल कर आता है, मगर आपने चीटिंग नहीं करनी है, आपने नियमों को नहीं तोड़ना है, आपने रूल्स को फॉलो करना है, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए कि अगर आप गलत हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना है, रेफरी या अंपायर के फैसले का सम्मान करना है, इस तरीके की अगर आप चीजें वगैरह जो हैं उसके इमोशनल या इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट की जो फेज में अगर आप उसके अंदर उतारते हैं तो कहीं ना कहीं ये उसके कैरेक्टर को मजबूत बनाता है। आज की तारीख में वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में रेफरी का सम्मान कर रहा है, कल वो जिस इंस्टीट्यूशन में जाएगा उसमें अपने सीनियर्स का सुपीरियर्स का सम्मान करेगा, उनकी बातों को मानेगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, ये नहीं कि उसको कोई फोर्स कर रहा है मगर वो अपनी तरफ से जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा जिस तरह से वो टीम में दिया करता, तो वो एक अंदर से जो जज्बा है वो पड़ जाता है। ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, वो अपने आप में एक जबरदस्त तरीके से पॉलिश किस्म का कैरेक्टर निकल कर आएगा, एक पॉलिश किस्म का चरित्र निकल कर आएगा और इसके चलते इस तरीके का व्यक्ति समाज के प्रति, देश के प्रति एक एसेट रहेगा, ज्यादा बेटर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। एंड अबो ऑल इन सारी चीजों के चलते फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल फिटनेस तो आपकी डेवलप होगी और अगर शरीर अगर आपकी फिटनेस ठीक है, आपका शरीर अगर रोगों से मुक्त है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये अगर आप मैक्रो लेवल पर देखेंगे, अगर आपका समाज ओवरऑल स्वस्थ है तो आपका जो मेडिकल पे एक्सपेंसेस होते हैं सरकार के वो कम होंगे, गलत चीजों के चलते आपका गंभीर बीमारियों के चलते जो डेथ्स हैं वो डाउन आएंगी और अगर व्यक्ति ज्यादा इफेक्टिवली फिट है तो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो निकाल सकता है और यही अल्टीमेटली जीवन की जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जिया कैसे। अगर आप अच्छे से इफेक्टिवली हंसते मुस्कुराते और खुश होते हुए जी रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसकी जगह आप रोते गाते हुए काट रहे हैं बस कि अरे यार खत्म हो और ये वो नेगेटिविटी है, तो फिर जीना ना जीना एक बराबर है। बट अगर आपने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके बढ़िया तरीके से सारी चीजों को डेवलप करके अपनी जिंदगी को फुल ऑन एंजॉय करते हुए जिया है, तो फिर वो उससे बड़ी अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। इसके अलावा और भी कुछ आपके पॉइंट्स वगैरह हैं, वही सारी बातें ओवरऑल आपको घूम घूम के निकल कर आएंगी अलग अलग डायमेंशन में, जो हम लोगों ने तीन एस्पेक्ट्स में पढ़ा था कि आपका कैरेक्टर, आपका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट वगैरह जो है फिजिकल एजुकेशन के तहत होता है। डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन्ड सिटीजन ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहने की बात नहीं है, ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो फिजिकल एजुकेशन के साथ में डेवलप होती है। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर ही चुके थे कि मोटर डेवलपमेंट आपका कैसे होता है और मोटर मूवमेंट क्या होता है, मोटर मूवमेंट का आप कैसे जो है एनहांस करवा सकते हैं, ये सारी चीजें
हैं। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट अब आपका जितना ज्यादा होगा आपका ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा, जितना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा आपकी स्किल्स जो है मेंटल स्किल्स उतनी ज्यादा शार्प होंगी, आपका अटेंशन आपका फोकस उतना अच्छा रहेगा, आप उतना जल्दी जो है क्विकली किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्स दे पाएंगे और ये चीज जो है आपको फिर वही बात आ जाती है देश के लिए समाज के लिए एक एसेट बनाती है। कल्चरल डेवलपमेंट आपका होगा, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं दूसरे आयाम से जोड़ता हूँ। इंडियन आर्मी की आज की तारीख में जो है स्ट्रेंथ लगभग 13 से 14 लाख के बीच में है। ऑफिसर कैडर जो है आर्म फोर्सेस का, आर्मी में एक आपका ऑफिसर होता है, जूनियर कमीशन अफसर होते हैं और फिर आपके सोल्जर्स वगैरह होते हैं अलग अलग रैंक्स पे। अब ऑफिसर कैडर जो है उसमें 8-9 हजार ऑफिसर्स की कमी चल रही है। सोच के देखिए हमारे देश की पॉपुलेशन 1.25 या कई लोग कहते हैं 1.3 बिलियन के से ज्यादा है, ठीक है जी। उसमें अब आपको ऐसे 9 हजार लोग नहीं मिल रहे हैं जो सेना में जाके अफसर बन सकें और आपका देश की जो जवान है उनको लीड कर सके। 8-9 हजार ऑफिसर्स की कमी चल रही है। इसकी वजह यह नहीं है कि लोग अप्लाई नहीं करते या आर्मी में या सेना में जाते नहीं, इसकी वजह यह है आर्मी ने ऑफिसर्स कैडर के लिए अपना एक सर्टेन स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है जिसमें उन्होंने कुछ सर्टेन लीडरशिप क्वालिटीज को प्राइम इंपॉर्टेंस दे रखा है और उनका कहना यह है कि अगर ये लीडरशिप क्वालिटीज या स्किल्स आपके अंदर है तब हम आपको जो है रिकमेंड करेंगे आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए, नहीं तो फिर हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। अब मजे की बात यह है हर एक दिन जो है आपके आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए नए नए बैचेज आते हैं, 150, 200, 300, 400, 500 लोग आते हैं और 5 लोग सिलेक्ट नहीं होते। वजह यह है आर्म फोर्सेस की जो लीडरशिप क्वालिटीज का सेट है कई लोग वो पजेस नहीं करते, कई लोग उस लेवल तक पजेस नहीं करते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बहुत आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर या फिर लीडरशिप स्किल्स के डेवलपमेंट के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करता। आप कोई खुद अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से इस चीज को डेवलप कर ले या कुछ ऐसे एक्सेप्शनल स्कूल्स हो जहां पर इन चीजों पे फोकस दिया जाता हो तो वो ठीक है, मगर ओवरऑल आपके पास में इस तरीके की व्यवस्था है नहीं। इसके चलते आपकी अब आर्म फोर्सेस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जिसमें बकायदा ऑफिसर्स की कमी चल रही है वो चाहते हुए लोगों को रिक्रूट नहीं कर रही क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है। तो कहीं ना कहीं एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बात अब सिर्फ आर्म फोर्सेस के ऊपर लागू नहीं होती है, आप दुनिया जहां में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं अगर आप में लीडरशिप स्किल्स नहीं है, अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रखते हैं तो फिर आप उसमें बहुत ज्यादा एक्सेल नहीं कर सकते आप बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में अगर आप शो नहीं करते तो फिर आप ड्राइवर सीट पे नहीं आ पाओगे, फिर आप एक फॉलोअर बन के रह जाओगे, आप फिर उसमें निर्णय नहीं ले पाओगे। तो लीडरशिप स्किल्स या लीडरशिप क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आप किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में एक्सेल करना चाहते हो, ड्राइवर सीट पर बैठना चाहते हो, मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग पोजिशन में आना चाहते हो, और वो सारी चीजें डेवलप करने में फिजिकल एजुकेशन की मदद करता है। इस तरीके से करता है कि अगर आप टीम स्पोर्ट्स वगैरह खेलेंगे तो कई बार आपको टीम के लिए क्या फैसले सही हैं या क्या फैसले गलत हैं वो लेना पड़ेंगे। कई बार इसमें आपको अपने जो पर्सनल जज्बात हैं उनको एक तरफ रखकर प्रैग्मेटिक तरीके से सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा दोस्त हो मगर वो टीम के लिए एसेट ना हो, आपको उसको ड्रॉप करके किसी दूसरे बंदी को लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप होती है कि आप अपने भावनात्मक जज्बातों को एक तरफ रखकर प्रैग्मेटिक फैसले ले सकते हैं। आप अपने से पहले जो है अपनी टीम के बारे में सोच सकते हैं, अपने से पहले अपने जो लोग हैं जिनको आप लीड कर रहे हैं उनके बारे में सोच सकते हैं और इस तरीके की चीजें। अगर आप अपने गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है हर तरीके का पॉजिटिव एफर्ट लगाते हैं, डजंट मैटर उससे आपका पर्सनल लेवल पर क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा हो, ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं और ये डेवलपमेंट वगैरह करने में पूरा जो स्पोर्ट्स और बाकी सारी चीजें एक बड़ा योगदान अदा करती हैं। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी क्वालिटीज वगैरह जो है फिजिकल एजुकेशन के कारण आपके अंदर आती है। साथ ही साथ हेल्दी और सेफ एनवायरमेंट वगैरह भी जो है जनरेट करने में या इसको इंश्योर कराने में आपकी मदद करती हैं। जब लोगों को समझ में आता है कि समाज के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, जब बच्चों को समझ में आता है ग्राउंड्स वगैरह कितने इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपका प्रकृति जो है ग्रीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके की अलग अलग ड्राइव्स वगैरह भी चलाई जा सकती हैं अवेयरनेस की। और बच्चे जब इस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का एक बड़ा तबका जो है आएगा और इस तरीके से जो है आप हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट को इंश्योर कराने में भी जो है फिजिकल एजुकेशन की हेल्प ले सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा योगदान करता है, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों के जब लोग कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स के लिए मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होता है, एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ में आपके दोस्तियां यारियां बढ़ती हैं, परस्पर संवाद बढ़ता है, तो इन सारी चीज़ों के चलते आपके लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स अलग अलग देश के हिस्सों में डेवलप होते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का, नए कल्चर्स नई लैंग्वेजेस को समझने का और नए दोस्त बनाने का भी आपको मौका मिलता है और देश जो है इससे मजबूत बनता है, नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़िया डेवलप होता है। यही बात अगर आपका नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी तो उससे आपकी इंटरनेशनल
अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है उस स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी रहेगी। उससे कहीं ना कहीं आप दुनिया में दूसरी चीज़ें अगर जो स्पोर्ट्स को अफेक्ट डाल रही हैं उसके बारे में पता चलेगा और कहीं ना कहीं इससे आपकी एक अवेयरनेस या अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेटर होगी, ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी की मदद से हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में समाज का कोई भी तबका हो फिजिकल एजुकेशन एक मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके बिना काम चलाना लगभग उसी तरीके से है जिस तरीके से आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि आप एक पेन चला रहे हैं जिसमें स्याही नहीं है, कितना भी लिख लें शब्द निकल कर नहीं आएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हमको यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए और समाज को अच्छा रखने के लिए फिज़िकल एजुकेशन जो है वो वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है। इसके बिना काम चल नहीं पाएगा। अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आपका पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। आप में बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ वगैरह हैं जो डेवलप नहीं हो पाएंगी और जिनके बिना आप अपनी ज़िंदगी का जो एकदम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन है, मैक्सिमम आप कह सकते हैं उसमें जो एक इन्जॉयमेंट है आप नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना तो यहाँ से कहीं ना कहीं इतने को इतना समझ में आ गया कि आपका जो फिज़िकल एजुकेशन है वो प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम चल नहीं सकता है। और इसीलिए आप ये कहा जाता है कि आपका जो स्पोर्ट्स हो गया या जो गेम्स वगैरह हो गए जो फिजिकल एजुकेशन का सबसे सिंपलीस्ट फॉर्म है या इंपार्ट करने का सबसे सिंपलीस्ट या सबसे फंडामेंटल तरीका है, ये ह्यूमन डेवलप पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत प्राइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पोर्ट्स और गेम्स में एक्टिव नहीं है तो मानकर चलिए कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी का कोई ना कोई हिस्सा है जो अछूता रह जाएगा, उसका पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट जो नहीं हो पाएगा। ये उसी तरीके से है कि जिस तरह से आपको जीने के लिए आपके अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छे पोषण के लिए आपको बढ़िया फूड की ज़रूरत होती है और एकदम फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। अगर आपको साफ पानी पीने को ना मिले तो और गंदा पानी अगर आपको पीने को मिले तो इससे क्या होगा, आपकी प्यास बुझे ना बुझे मगर आपको 10 तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा खाना खाने के लिए मिले जो आपकी भूख तो मिटा दे मगर जिसमें प्रोटीन ना हो, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स ना हो, जिसमें अलग अलग तरीके के विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ना हो, तो आपका शरीर आपका पेट भले ही भर जाए मगर आप वो खाना आपके शरीर का विकास नहीं करेगा, वो आपके शरीर को लगेगा नहीं। ये उसी तरह से है कि आप मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज अगर रोज रोज खा के अपना पेट भरेंगे तो हो सकता है आपका पेट भर जाए मगर आपका शरीर जो है वो खराब हो जाएगा, ओबेसिटी और बाकी सारी चीजें आएंगी, विटामिन वगैरह नहीं मिलेंगे तो आंखें खराब हो रही हैं, हाथ पैरों में जान नहीं महसूस हो रही, वो सारी चीजें आपको लगने लगेंगी। तो जिस तरीके से अच्छा खाना और अच्छा पानी आपके शरीर के विकास के लिए जरूरी है, उसी तरीके से अच्छे पूरे के पूरे ह्यूमन पर्सनालिटी के फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप स्पोर्ट्स और गेम्स वगैरह जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते रहें, आप स्पोर्ट्स और गेम्स वगैरह जो हैं उसमें रेलेवेंटली लगे रहें और अपना काम वगैरह जो है करते चले जाएं। यही वजह है कि आपका और ये जो आपका फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को वेस्ट में इतना अभी तक क्योंकि रिसर्च वगैरह और काफी सारी चीजें हो चुकी हैं इसलिए समझ लिया गया है। और यही वजह है कि वहां पे प्राइमरी लेवल से आप देखोगे तो कई सारी आपकी नर्सरीज और ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खुल जाते हैं या खुले हुए हैं गेम्स वगैरह के लिए और वहां पे अपने लोग जो है अपने बच्चों को छोड़ते हैं, बकायदा उनके स्पोर्ट्स के आपके शेड्यूल्स बने हुए हैं, आपने ये सारी चीजें स्कूल के अलावा हो रही हैं, आपने जाना ही जाना है, आपने इतना टाइम देना है, हफ्ते में एक दो दिन आपको डेडिकेटेडली इसी चीजों में लगना है। इस सबसे ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आ जाओगे, कई लोग जाते भी हैं कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, बट इससे होता यह है कहीं ना कहीं आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर विकसित होते हो। ये बात आप नोटिस करना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जब आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, आपका जो मन के ऊपर कंट्रोल है, अलग अलग तरीके के जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो एक अलग चीज रहती है। मगर आप 10 किलोमीटर दौड़ लिया और इतना आपने पसीना बहा दिया कि आपकी टी शर्ट आप निचोड़ सकते हो, इतनी गीली हो गई है वो, इतना आप स्वेट कर चुके हो, अब आप अपने आप स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी को कंपेयर करिएगा दौड़ने से पहले वाली स्थिति से, आपको ये लगेगा कि आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बहुत एक्टिव महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, दिमाग में अब कोई विचार नहीं आ रहा, मन एकदम शांत है, चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई और सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह ने आपके मेंटली और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को बदल दिया और एक न्यूट्रल या एक नेगेटिव इमोशन से आपको एक पॉजिटिव इमोशंस की तरफ वो लेकर आए, आपकी लाइफ एनर्जीज को उन्होंने ज्यादा अच्छे से मोबिलाइज कर दिया है। ये बहुत रेलेवेंट चीज है और इसीलिए इसी बात को एम्फेसिस करते हुए स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स और नर्सरीज वगैरह आपको डेवलप्ड कंट्रीज में बड़े पैमाने पर खुले हुए मिलते हैं। कई लोग इससे आपका अच्छे ओलंपियंस और बाकी सारी चीजों में भी जाते हैं मगर इसके अलावा अगर आप उनके ओवरऑल नागरिकों को
देखें जो स्पोर्ट, क्योंकि वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उनका ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो है ज़्यादा है। कई लोग ये बोलते भी हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इसके और यूरोपियन देशों की पॉपुलेशन इतनी कम है, फिर भी हमारी तरक्की की दर इतना क्यों इतना नहीं है, वो बाकी सारी चीज़ें इसमें और भी फैक्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट मैटर करता है। हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं मगर लोगों की क्वालिटी जो है, हमारा जो एचआर है वो ह्यूमन रिसोर्स वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा अभी कंपैरेटिवली कंपेरेबल नहीं है उस पर्टिकुलर जो आपका जो डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह हैं उनके ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह के साथ में। और कहीं ना कहीं उसके बहुत भी फैक्टर्स हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ ये एक फैक्टर है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट फैक्टर इस चीज़ का हमारे देश में अभाव और इस चीज़ का उनके देश में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस हो जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोगों ने हमारे जो मॉडर्न सोसाइटी में फिजिकल एजुकेशन की नीड और इम्पॉर्टेंस है इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। अब अपना जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे जो मिसकंसेप्शंस हमारे समाज में हैं, कई सारी जो आपकी इस तरीके की चीज़ें हैं जो सच नहीं है मगर फिर भी इनको सच मान लिया गया है और उसको गलत, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको गलत तरीके से परसीव किया जाता है फिजिकल एजुकेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे मगर वो सारी की सारी बातें होंगी अगले सेशन में। आज का जो अपना सत्र है इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, आई होप सो आप लोगों ने इससे सीखा होगा, आई होप सो आप लोगों ने इससे इंपॉर्टेंट समझा होगा कि फिजिकल एजुकेशन कितना रेलेवेंट है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके चलते अब आप लोग भी जो है, वो बच्चे खासतौर पर जो ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिव नहीं है, वो भी अब थोड़ा सा घर से बाहर निकलेंगे और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे एंड उसके कारण आपकी बॉडी और माइंड पर आने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स वगैरह को आप महसूस करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी हम लोगों से शेयर करेंगे, दैट विल बी वेरी हार्टनिंग टू नो। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह में शामिल होना शुरू करें। थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।